योजना आई है लाडली बहना, खासकर महिलाओं की जिनकी शादी हो गई, बर्तन मांजने से लेकर हर वो काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपने दी। फिर भी मैं आपको एक टिप चाहूंगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये फ्री बीस है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 2017 में बैगा भारिया सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बहनें, उनके लिए 1,000 रुपया शुरू किए थे। आप आश्चर्य करोगे, बीच में कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी वो, लेकिन आके मैंने फिर से चालू की। उस 1,000 रुपये का इम्पैक्ट देखिए, बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया, परिवार की स्थिति बेहतर हो गई। इसमें से मेरे दिल और दिमाग में ये बात बैठी कि हर गरीब बहना को क्यों 1,000 रुपये महीना नहीं दिया जाए। निम्न मध्यम वर्ग की अगर कोई बहन है तो वो क्यों कष्ट में जिंदगी जिए? आप उस बहन के बारे में सोचिए जिसको कभी गोद में आके अपने बेटा बेटी ने कहा हो, माँ किताब दिला दे मुझे, माँ कपड़े दिला दे मुझे, माँ आइसक्रीम खिला दे मुझे, और उसके पास अगर पैसा ना हो तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। ये फ्री वीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जरूरत है, बुनियादी जरूरत, उसको पूरा करने का विनम्र प्रयास है, और इसलिए आज मैं भावुक हो गया था एक बहन जानकी का वीडियो देख के, जो दिव्यांग थी, और 1,000 रुपया मिलने के बाद जब वो कह रही थी कि मैं बच्चों की किताबें खरीदूंगी, उनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, तो मुझे लगा कि बिल्कुल सही फैसला है।